डिस्क्राइब एंड डिस्कस प्रोसेस, वी यूजली टॉक अबाउट एक्टिविटीज़। ठीक है, कहते हैं जब हम प्रोसेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होंगी। अब जो कहते हैं रियल सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर इंटरलीव्ड, मतलब उनमें टेक्निकल, कोलेबोरेटिव एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो अल्टीमेटली ओवरऑल गोल को स्पेसिफाई कर रही होती हैं, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हमारे सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, हमने उसको टेस्ट कैसे करने हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को डिसाइड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और जो नॉर्मली फोर बेसिक, जिनको आप जेनेरिक प्रोसेस कह सकते हैं, उनमें एक स्पेसिफिकेशन का, जिसको हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कहते हैं, ये डेवलपमेंट का, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन का कहते हैं, वैलिडेशन का, जिसको हम आप कह लेंगे टेस्टिंग का, और एवोल्यूशन का है, जिसको आप कह लेंगे सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, और बाद में जो अपडेशन का फेज होगा। ठीक है, अब इन द वाटरफॉल मॉडल दे आर ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस वेयर एज इंक्रीमेंटल दे आर इंटरलीव। इंटरलीव का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में हम इन्हें करते हैं। अब रीयूज़ ओरिएंटेड जो लास्ट है हमारा, उसमें ये बताया गया है, रीयूज़ ओरिएंटेड का मतलब है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डेवलप करें कि आप उन्हें दोबारा रीयूज़ कर सकें, कोड ऐसे करें कि आप उस क्लासेस को, उन कोड को दोबारा आप रीयूज़ कर सकें, कि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक रीयूज़ वेयर सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग, पहले से आपने जो सिस्टम्स बनाए हैं उन्हीं के कंपोनेंट्स को लिए और फिर आपने अपने सिस्टम को डेवलप किया। इन्हें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स भी कहते हैं। कमर्शियल ऑफ द सिस्टम्स का ये मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं और उन पैकेजेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस को हम अपनी मर्जी से बेसिकली इम्बेड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको टेम्पलेट्स नहीं गिवन होते, आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल ऑफ द शेल बेसिकली एक टर्म यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो डिफरेंट पैकेजेस दे देते हैं और उन पैकेजेस में डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस गिवन होते हैं। अब प्रोसेस स्टेजेस में कंपोनेंट एनालिसिस, कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं, फिर रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, सिस्टम डिज़ाइन विद रीयूज़। ठीक है, आपने ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करना है कि आप उसे रीयूज़ कर सकें। ठीक है, रीयूजबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आजकल अप्रोच फॉलो की जाती है वो नॉर्मली रीयूज़ है, कि आप सॉफ्टवेयर का कोड ऐसे करें कि नेक्स्ट टाइम सेम अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप उसी कोड को रीयूज़ कर सकें, जिससे आपका कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। ठीक है, रीयूजबिलिटी की वजह से। अब फर्दर है, कलेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट दैट आर डेवलप एज अ पैकेज टू बी इंटीग्रेटेड विद द कंपोनेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसमें फर्दर बताया गया है कि आपके पास बहुत से ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनको आप डॉट नेट या जावा टू इंटरप्राइज एडिशन में इंबेड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रीयूज फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और ऊप, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल ईमेल सॉफ्टवेयर का आपके पास एक कॉट अवेलेबल है कमर्शियल ऑफ द सेल, तो उसमें आप ये पूरा पैकेज है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, व्यू ईमेल एंड सेट रिमाइंडर्स, ये अब आपके पास एक पूरा पैकेज है। और ये जो सिस्टम है ये नॉर्मली आप जो भी सिस्टम डेवलप करेंगे उसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन तो होगी और यूज़र रजिस्ट्रेशन भी होगी। ठीक है ना, तो हम ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं अपने अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स के लिए हम पोस्ट, कमेंट, व्यू, इमेजेस, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब रीयूज़ ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है इसमें बेसिकली आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर कंपोनेंट का एनालिसिस किया, मॉडिफाई किया, डिज़ाइन किया, और इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है कि आपने डिज़ाइन विद रीयूज़ है, कि ऐसे डिज़ाइन करें कि आप रीयूज़ कर सकें, और उसके बाद डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी वन आ गई, फिर टू आ गई, फिर उसके बाद थ्री आ गई, फिर फोर एक्टिविटी और फाइव एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि रीयूज़ ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम फॉलो करते हैं। एंड पे आ जाएगा हमारे पास सिस्टम वैलिडेशन, कि हमने ये चेक करना है कि हमने जो चीज़ें डेवलप की हैं वो किस हद तक हमारी रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई कर रही हैं। अब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग व्हाट सर्विसेज, ये स्पेसिफिकेशंस का यही मतलब है कि हमें बेसिकली क्या क्या फंक्शंस चाहिए और उन फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट चाहिए, जिसको हम इन्हीं स्पेसिफिकेशंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या जिनको हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियली कि हम इस सॉफ्टवेयर को बना सकें, और कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम उनको इसमें इंक्लूड करते हैं और फिर हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कहते हैं। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल, और एंड पे हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है।
वैलिडेशन में हम वैलिडेट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को हमने इंप्लीमेंट सही तरह किया है या नहीं किया, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में वही फिजिबिलिटी स्टडी का हमने डिस्कस किया था, आप ये चेक करते हैं कि कितना फिजिबल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है और बाकी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं कि आप उसे इनकॉर्पोरेट करें। फिर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन देखते हैं स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, फिर आपने एक SRS का डॉक्यूमेंट बनाना है और उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना है कि बाकी ये रिक्वायरमेंट जो है तो एज़ पर कस्टमर नीड आई हैं आपके पास या नहीं आई, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे कि ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की कोर एक्टिविटीज़ हैं, फिजिबिलिटी। और इनके ये बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो ये डिलीवरेबल है, इसी तरह ये सिस्टम मॉडल इसका डिलीवरेबल है। फिर यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जिसको SRS डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये डिलीवरेबल है, ठीक है। इसी तरह ये वैलिडेशन भी क्या है, डिलीवरेबल है, ठीक है। और यहाँ भी ये रिक्वायरमेंट मॉडल्स और ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ये देखें ये फीडबैक दोबारा आ रहा है कि अगर उसको चेंज करना पड़े तो आप उसको चेंज भी कर सके। फिजिबिलिटी स्टडी एक ही दफ़ा होगी, लेकिन ये जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं ये आप ऐसे ये साइकिल में मूव करेंगी, ये सारी एक्टिविटीज़। फिजिबिलिटी स्टडी आपने एक ही दफ़ा किसी प्रोजेक्ट की करनी है, और आपको अगर पता चले कि ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत है बनाना है तो उसके बाद फिर आप दोबारा फिजिबिलिटी स्टडी करने के, उसके बाद आप बाकी एक्टिविटीज़ को साइकिल फॉर्म में कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में हमने बेसिकली क्या करना है, कोड करना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसलेट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि डिज़ाइन इनपुट जैसे प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डेटा डिस्क्रिप्शन कि हमने अपने इस सॉफ्टवेयर को रन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करने हैं, किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे करने हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन और डेटाबेस का क्या डिज़ाइन होगा, ठीक है। इंटरफेस जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करेंगे, हमारे फंक्शन सर्विसेज और डेटाबेस के अंदर कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करना है, कैसे टेबल जो है रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। ये सारा बेसिकली जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें हम अपना प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, डेटा किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में आ जाती है डिज़ाइन प्रोसेस में, और एंड पे आ जाते हैं डिज़ाइन आउटपुट। ये देखें पहले डिज़ाइन इनपुट है, फिर हमारे पास डिज़ाइन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी और उसके बाद डिज़ाइन आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में आपके पास सिस्टम आर्किटेक्चर आता है, फिर डेटाबेस स्पेसिफिकेशंस आता है, फिर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस आता है और कंपोनेंट स्पेसिफिकेशंस, और यही मेन चीज़ें होती हैं। आपको पता चलता है कि आपने फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, यूज़र इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करनी है, डेटाबेस स्कीमा क्या होगा और सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होगा। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन वे यू आइडेंटिफाई द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। सब सिस्टम्स के हैं, मॉड्यूल्स के हैं, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरफेस में आप ये देखते हैं हमने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करने हैं, कंपोनेंट में ये देखते हैं कि ईच सिस्टम जो फंक्शन होगा वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और डेटाबेस में क्या आपने डेटाबेस के अंदर चीज़ों को स्टोर कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाता है कि सिस्टम जो चीज़ें हमने डिफ़ाइन की थी स्पेसिफिकेशंस में, सिस्टम उन्हीं उनको मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को या नहीं कहता है, चेकिंग, इसको हम रिव्यू प्रोसेस भी कहते हैं, और सिस्टम टेस्टिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब टेस्टिंग द मोस्ट कॉमन यूज्ड सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। फिर स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग की हम बात करें तो कंपोनेंट टेस्टिंग फिर, ठीक है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस है। पहले हम एक यूनिट टेस्टिंग करते हैं, सिंगल यूनिट, उसके बाद हम उन सबको आपस में मिलाते हैं तो वो सिस्टम टेस्टिंग बनती है, और उसके बाद हम जब क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट को जब हम डेमो देते हैं उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। उसमें अगर कोई मसला आता है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम दोबारा उसको चेंज करते हैं, फिर दोबारा सिस्टम को टेस्ट करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। इसलिए हमने ये बेसिकली एक या लूप बना हुआ है, ठीक है, फीडबैक का। अब इसी तरह स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट टेस्टिंग, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप टेस्ट करें इंडिपेंडेंटली, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। सिस्टम कंपोनेंट्स को एज अ होल टेस्ट करेंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहेंगे, ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब है कि कस्टमर का फीडबैक जब आपने लेना है, ठीक है, कस्टमर डेटा टू चेक द सिस्टम मीट द कस्टमर नीड्स। इसी तरह जो है तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इज इनहेरिटेंसली फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज, कि सॉफ्टवेयर की जो एक नेचर होती है वो बेसिकली चेंज किया कि सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट चेंज थ्रू चेंज बिजनेस सर्कमस्टांसिस, जैसे जैसे कोई न्यू ट्रेंड्स आते हैं तो सॉफ्टवेयर भी चेंज होना है, सॉफ्टवेयर को हमें उनके इंटरफेसिस चेंज करने पड़ते हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, के सॉफ्टवेयर इवॉल्व होते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं, फिर आप पहले क्या करते हैं, डिफाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फिर असेस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, प्रपोज सिस्टम चेंजेस एंड मॉडिफाई सिस्टम, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कहते हैं
आपने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट डिफाइन की, आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को स्टडी किया, फिर आपने ये प्रपोज किया कि कौन कौन सी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, फिर आपने सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया और आपके पास न्यू सिस्टम आ गया। ठीक है, ये बेसिकली जो एवोल्यूशन का होता है कि अगर कोई भी नया चेंज आता है तो आप क्या करते हैं, पहले एग्जिस्टिंग को स्टडी करते हैं और नई जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो प्रपोज करते हैं, और फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसमें आप उनको इनकॉर्पोरेट करके आपके पास जो एक न्यू सिस्टम होता है वो आता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में रीकैप कि आज हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, फिर जनरल प्रोसेस मॉडल्स के बारे में स्टडी किया, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल एंड रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है कि हम रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस यह है कि हम डिज़ाइन को कोड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वैलिडेशन का प्रोसेस यह है कि हम चेक करते हैं कि सिस्टम कन्फर्म करता है स्पेसिफिकेशंस को, कस्टमर की नीड को पूरा करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और स्पायरल और रैशनल यूनिफाइड और प्रोसेस मॉडल उसको जो है तो बेसिकली कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।